हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आ चुकी हूँ मैं सिद्धनाथ का बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट लेकर आपके लिए, जहाँ पर आप देख पाओगे कि सिद्धार्थ ने शहनाज को लव बाइट दिया था और माहिरा की बजी थी बहुत तगड़ी वाली बैंड। तो आप गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि सिद्धनाथ मोमेंट और सिद्धनाथ के लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से आप तक पहुँचती रहती है। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया 70% फैंडम वालों में, यानी कि टकलू जी में और माहिरा में। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग इनकी आवाज़ लग रही है। और सिद्धार्थ वहीं पर है और सिद्धार्थ भी भाई आग में घी डालने का पूरा पूरा काम करता है, बहुत बढ़िया वाली बैंड बजाता है माहिरा की। और यहाँ पर पारस भी माहिरा को काफ़ी कुछ सुनाता है। तो दोनों की जो इरिटेटिंग वाली फाइट शुरू थी उसे तो हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ आ जाता है बाहर, जहाँ पर शहनाज गार्डन एरिया में सोफे पर लेटी होती है और बहुत ज़्यादा क्यूट वाले मोमेंट में होती है गाइस। लेटे वो भी इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना हमारी शहनाज। वहाँ पे सिद्धार्थ आता है। अब सिद्धार्थ आज बहुत ज़्यादा मस्ती वाले मूड में है, मज़े लेने हैं बस उसको सबके। तो वो शहनाज के पास आता है और उसको हिलाकर कहता है कि हे शहनाज उठना, देख अंदर पारस माहिरा का झगड़ा हो रहा है, अब तेरा चांस है। तो शहनाज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पारस माहिरा को अब वो पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। तो वो वहाँ पर कहती है कि आ जाना, बैठना यहाँ पर, क्योंकि शहनाज भी बहुत प्यारे वाले मूड में थी उस समय। और जब बोलती है ऐसा, जब सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि यार शहनाज को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने पारस माहिरा की बात बताई और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब टीस करना चाह रहा था यहाँ पर सिद्धार्थ भी शहनाज को, लेकिन शहनाज को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा उन लोगों से। तो सिद्धार्थ को ये देख कर शहनाज पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, मतलब अगर उसके दिल की हो जाती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है शहनाज पर। वो उसे दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और यहाँ पर झुकता है शहनाज के ऊपर और उसको लव बाइट दे देता है गाइस। अब सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा चंड है हमारे शुक्ला जी, लॉजिकल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चंडपना भी रखते हैं। कैमरे की नज़र से छुपा कर कैसे चीज़ें करनी है सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन शहनाज ने जो एक्सप्रेशन दे दिया वो कैमरे में कैद हो गया गाइस। और उससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने लव बाइट दिया था शहनाज को, जिसका मीठा मीठा दर्द शहनाज के फेस पर आप साफ देख सकते हैं। शहनाज के एक्सप्रेशन से ये चीज़ साफ पता चलती है। तो सिद्धार्थ और शहनाज के बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारे मोमेंट हुआ करते थे गाइस, जो इस तरीके से कैमरे से छुप कर हुआ करते थे और कई बार हमारी नज़रों के सामने आ जाते थे। एपिसोड्स में हम इतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन जब हमने बाद में ये चीज़ें देखी तो साफ पता चली कि सिद्धार्थ का बॉन्ड कितना ज़्यादा गहरा था, क्योंकि इतना कंफर्टेबल ना तो सिद्धार्थ किसी के साथ था ना शहनाज किसी के साथ थी। दोनों का कंफर्ट लेवल बहुत अलग था गाइस और दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा नेचुरल था। ये लोग कैमरे के लिए कभी कुछ नहीं करते थे, सारी चीज़ें नेचुरल होती थी और हमारे दिल तक पहुँचती थी। तो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा मोमेंट मुझे ये वाला लगा गाइस, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। और गाइस अपना ध्यान रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।